भगवान ने कहा प्रसादे सर्वुखा हानि रस्य रोपजाते यासु बुद्धि बुद्धिपर्यविष्ट आत्मविश्रांति ये जीवात्मा की मांग है आत्मविश्रांति से वास्तविक शुद्ध सामर्थ्य आता है सर्वभूत ही तेरता जिसकी शुद्ध मति और शुद्ध भक्ति है बोले बाबा भक्ति शुद्ध और अशुद्ध होती है कि हां अशुद्ध विकारों की पुष्टि के लिए भगवान को साधन मानना हे भगवान ये कर दे वो कर दे ये अशुद्ध भक्ति लेकिन भगवान से भगवान को ही चाहना भगवान की भक्ति से भगवान को ही प्रीति करना भगवान की भक्ति से नश्वर सुख ना चाहकर भगवान को सुख देना तो भगवान हमारे हृदय में अंतर आत्म सुख का प्रागट्य कर देते हैं। प्राप्त परिस्थितियों का सत उपयोग कर ले दुख का भोगी ना बने दुख का भोगी कमजोर हो जाता है डरपोक हो जाता है सुख का भोगी खोखला बन जाता है सुख भोगेंगे संसार का तो विकारों में गिरनेंगे खोखले बन जाएंगे दुख भोगेंगे तो कमजोर हो जाएंगे भयभीत हो जाएंगे दुख आता है तो की हुई गलती में से सावधानी सिखाने के लिए बद परहेजी किया तो बीमारी का दुख आया अहंकार किया तो विरोधी और दुश्मनों का दुख आया विलासिता की तो धोखा खाने का दुख आया इस प्रकार लापरवाही की तो विफलता का दुख आया तो दुख हमारी गलतियों को मिटाने के लिए भगवान के तरफ से लाल बत्ती है प्रकृति देवी के तरफ से और ये संसार दुखालय है आसक्ति मिटाने के लिए भी कभी कभी दुख आता है जो ममता भगवान से करनी चाहिए वो ममता अगर पुत्र से किया तो पुत्र के तरफ से जमाई के तरफ से बहु बेटी के तरफ से भी दुख आता है तुलसी ममता राम से समता सब संसार राग न द्वेष न दोष दुख दास गए भव पार जो आत्मा परमात्मा में मेरा पन, मेरे हैं भगवान ऐसा मानना चाहिए वो मान्यता छोड़कर कर ये मेरा पुत्र है ये मेरी पत्नी है ये मेरा पति है ये मेरा धन है ये मेरी कुर्सी है तो वहाँ से दुख मिलना ये भगवान की विधि का विधान है भगवान की महती कृपा है कि नश्वर संबंधों में शाश्वत बुद्धि करके जीवात्मा समय बर्बाद न कर दे इसलिए उसमें दुख का निमित्त भगवान दे देते लेकिन साथ साथ में भगवान कहते हैं सुखम वाह यदि वाह दुखम स योगी परमो मता सुखद अवस्था आ जाए चाहे दुखद अवस्था आ जाए लेकिन जो सत्संग सुनते हैं वे समझते हैं कि अवस्था आई हुई है जो भी परिस्थिति आती है वो जाती है लेकिन आत्मा परमात्मा सदा रहते हैं मन तु ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछान और भगवान श्री कृष्ण जिनका रथ हाँकते हैं अर्जुन का अर्जुन भगवान का दर्शन करते प्रिय भक्त हैं फिर भी सत्संग के बिना अर्जुन का भी दुख नहीं मिटता विराट रूप का दर्शन करने के बाद भी अर्जुन का भय नहीं मिटा और भय भी तो गए लेकिन जब भगवान की कृपा प्रसादी सत्संग मिला तो अर्जुन का दुख टिका नहीं सुख मिटा नहीं इसीलिए शास्त्र बहुत उत्तम बात कहते हैं जो जानी सत्संग प्रभाव लोकन वेदन आन उपाऊ जो सत्संग से लाभ होता है सूझबूझ बढ़ती है और परम सुख मिलता है परम ज्ञान मिलता और परमात्मा की परम कृपा सहज में अवतरित होती है जो सत्संग से वो लौकिक सब कर्म कर डालो दुकानें कर दो फैक्ट्रियाँ कर लो कुर्सियाँ कर लो राजगद्दियाँ पालो वो शांति वो आत्मसुख वो पुण्याई वो ज्ञान नहीं मिलेगा जो सत्संग से होता है यज्ञ कर लो व्रत कर लो उपवास कर लो तीर्थ नहा लो लेकिन सत्संग से जो लाभ होता है वो सबसे विलक्षण है महान लाभ है तीर्थ नाए एक फल संत मिले फल चार सतगुरु मिले अनंत फल कहत कबीर विचार तन काचा कुंभ है फुट तन लागे बार फटका लागे फूटी परे गर्व करे वे गंवार शरीर का गर्व न कर भैया कब ये श्वास निकल जाए वापस न आ जाए धन का गर्व न कर न जाने कैसे कैसे धनाढ़ आ गए फिर कंगाल होकर अमेरिका की जेल में सड़ सड़ के मरे दुनिया में जिनका नाम था धनाढ़ होने में ऐसे बड़े बड़े धनाढ़ पच्चीस साल के अंदर तो कोई जेल में है तो कोई पागल होके मर गया तो कोई दिवालिया हो गया धन जो बन का करे गुमान सो मूर्ख मंद अज्ञान मत कर रे गर्व गुमान गुलाबी रंग उड़ी जावे लोग उड़ी जावे लोरे फीको पड़ी जावे गो पासो नहीं आवे गो माटी में मली जावे जावेगो रे लायो भाया काई जावे गो धन जो बन थारा जोर जवानी अठे मिल गो तो ये मिली हुई चीज है मिली हुई चीज है उसका सतउपयोग कर ले दुखी के सहयोग में उसका थोड़ा सदउपयोग कर ले और दुखी को जरा सांत्वना दे दे हम कहते नहीं धन हमारा तो हमारा धन है हम धन नहीं है मकान हमारा तो ये मकान हमारा है हम मकान नहीं ऐसे ही मन हमारा तो हम मन नहीं है बुद्धि हमारी तो हम बुद्धि नहीं है ये सब हमारी चीजें हैं इसका हम सतुपयोग कर ले मन से किसी को मीठे वचन कह दे बुद्धि से किसी को सत्संग की दो बातें कह दे कि भाई तुम दुखी हो ये बात तो हमको अच्छी नहीं लगती तुम दुखी रहो लेकिन तुम्हारे से भी बहुत लोग समाज में अभी भी दुखी द्रौपदी के दुख के आगे तुम्हारा मेरा दुख क्या है नल राजा और युधिष्ठिर राजा के दुखों के आगे तुम्हारा हमारा दुख क्या है ऐसे करके उसका थोड़ा अज्ञान हरो और दुख मिटाने में थोड़ी सहायता करो तो आपने मन का सदउपयोग कर लिया बुद्धि का सदुपयोग कर लिया यथा योग्य थोड़ी बहुत सहायता चीज़ वस्तु भोजन आदि की दे दी सदउपयोग होगी तो आपकी स्थिति सत स्वरूप भगवान में विश्रांति मिलने लगेगी आत्म संतोष मिलने लगेगा आत्मसंतोष से आध्यात्मिक सामर्थ्य विकसित होता है तीन अवस्था होती है एक होती है जागृत अवस्था दूसरी होती है स्वप्न की अवस्था तीसरी होती है नींद की अवस्था कल का जागृत आया अभी नहीं है रात्रि के स्वप्न आए अभी नहीं है रात की गहरी नींद आई अभी नहीं है तो ये तीन अवस्था आई और गई उसको जानने वाला गया क्या नहीं गया वो जानने वाला चम चम चमक रहा है दिल के झरोखे में चलो री चलो वहां जाइए जहां दिल के झरोखों में झुरमुट झुरमुट वो दिल का देवता देख रहा है राम झरोखे बैठ के रामायण में आता है रामजरो के बैठ के सबका मुजरा लेत जैसी जिसकी चाकरी प्रभु तैसा तिसे फल देतियावर रामचंद्र